जब भी ज़िंदगी में मुश्किल कोई मकाम आया, जब भी ज़िंदगी में मुश्किल कोई मकाम आया, न कोई अपना न कोई गैर, बस मेरे साईं का आशीर्वाद ही काम आया। ओम साई राम, नमस्कार प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। बुधवार यानी 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है और मंगलवार से ही शिरडी में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव 2022 की शुरुआत होने जा रही है। शिरडी का गुरु पूर्णिमा उत्सव ऐतिहासिक है और इस उत्सव का महत्व तब और बढ़ जाता है जबकि दुनिया भर के करोड़ों साईं भक्तों के लिए ये एक पर्व सा बन जाता है, क्योंकि वे शिरडी के साईं बाबा को अपना गुरु मानते हैं। शिरडी में बाबा का पूजन करके पहली बार गुरु पूर्णिमा मनाई गई थी 3 जुलाई 1909 को, और वो गुरु पूर्णिमा का पहला जो पूजन है वो किया था श्री लक्ष्मण कृष्णा जी नूलकर उर्फ तात्या साहेब नूलकर जी ने। आज हम तात्या साहेब नूलकर जी के ग्रेट ग्रैंडसन श्री विवेकानंद नूलकर जी से उस पहली गुरु पूर्णिमा का प्रसंग सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मेरा नाम है विवेकानंद नूलकर। मैं शिरडी साईं बाबा के जो चरित्र है उसके अंदर जिनका नाम आया है तात्या साहब नूलकर, उनका मैं प्रपोत हूँ। तात्या साहब शिरडी में आए वो नाना साहब चांदोरकर की वजह से। नाना साहब चांदोरकर और तात्या साहब दोनों एक साथ, उनके डिपार्टमेंट अलग थे, तात्या साहब सब जज थे पंडरपुर में और उस वक्त मामलतदार की जगह पे नाना साहब का पोस्टिंग था। उस समय नाना साहब बाबा के पास आते रहते थे, तो उनको ऐसे लगा कि हमारे जो मित्र है तात्या साहब वो भी आने चाहिए, उनको प्यार था दो एक दूसरे के प्रति। उन्होंने कई बार उनको रिक्वेस्ट किया कि आप शिरडी चलो, पर तात्या साहब का मन नहीं होता था। एक तो उनके पीछे एक केस चल रही थी पंडरपुर में, और शिरडी के उत्पात और बड़वे इनके बीच में कुछ झगड़ा होता था और पूजा के बारे में भगवान पंडरपुर में, तो वो केस तात्या साहब के पास था। एक तो परेशान नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एक दिमाग के ऊपर बोझ था थोड़ा सा, क्योंकि उनका उनके जो विचार थे उस हिसाब से वो बड़वे और उत्पात के उनके जो मन में था उसके मुताबिक वो न्याय देने वाले नहीं थे। फिर भी वो चल रहा था। उस टाइम नाना साहब बार बार उनको पूछ रहे थे कि आप चलो शिरडी। आखिर एक दिन उनकी तैयारी हो गई। तात्या साहब खुद उनका वेद और उपनिषदों का अभ्यास था। उनके यहाँ वो संतों के पास जाते थे, संत भी उनके घर आते थे, पर उनका मन नहीं होता था कि शिरडी जाने के लिए। उन्होंने सुना था, नाना साहब ने भी काफ़ी कुछ बताया उनको बाबा के बारे में, लेकिन उनका मन नहीं होता। जिस दिन कुछ उनको ऐसा लगा कि ठीक है जाने के लिए तैयार हूँ मैं, लेकिन मेरे दो शर्तें हैं। पहली शर्त, एक तो मुझे कुक चाहिए, रसोईया चाहिए मुझे साथ में ले जाने के लिए, क्योंकि फैमिली के साथ जाना अकेले जब जाना नहीं था। और दूसरा, नाना साहब ने पूछा दूसरी शर्त क्या है। दूसरी शर्त यह है कि बाबा को देने के लिए मुझे अच्छे नागपुर के संतरे चाहिए। और भगवान करे ऐसा बोलते वैसे बाबा ने किया, वो दोनों शर्तें पूरे की। दूसरे ही दिन कोई तो भी उनके सरकारी मकान मिला हुआ था, उसके अंदर कोई दो ये इसके बास्केट रख के गए संतरे के। नागपुर संतरे बहुत बढ़िया थे, पर वो किसने रखे पहले तो कुछ टाइम तक पता ही नहीं चला, बाद में पूछताछ की तभी भी पता नहीं चला। खोल के देखा तो उसके अंदर संतरे, तो शायद उनके मन में आया कि ये एक मेरी इच्छा तो पूरी हो गई। शाम को नाना साहब मिलने के लिए आए, उसी टाइम एक नाना साहब के पास एक आदमी आया, उसने कहा मुझे नौकरी चाहिए। क्या करते हो, पूछने के बाद उसने बोला कि मैं रसोईया हूँ।
फौरन उन्होंने तात्या साहब के पास भेज दिया उसको, तो उसकी नौकरी तो पक्की हुई। वो पूछने के लिए शाम को जब नाना साहब आए, उन्होंने बोला एक शर्त तो आपकी पूरी हुई। उनको मालूम नहीं था कि संतरे भी आ चुके हैं करके। तुम बोलो एक क्यों? तात्या साहब ने बोला एक क्यों, दोनों शर्तें पूरी हो गई मेरी। मतलब? मतलब क्या? आपने सुबह रसोईया भेज दिया और मेरे पास ये संतरे आ गए कल, तो आप कब चलते हैं? नाना साहब ने पूछा इमीडिएटली। बोला अभी जल्दी जाएंगे। तो उन्होंने अपना कोर्ट से रजा वगैरह लेना था, वो सब करके एक 8-10 दिन के अंदर उन्होंने शिरडी चले गए। शिरडी जाने के बाद पहला ही दिन था, पहली मुलाकात थी बाबा के साथ। और बताने की एक छोटी सी बात यह है कि तात्या साहब नाटे से थे, कद उनका छोटा था और जरा मोटे से थे। तो बाबा तो द्वारका माई में बैठते थे मस्जिद में, अपना धुनी के सामने। वहाँ गए, वो नीचे बैठे और बाबा के पाँव छूने, पाँव के ऊपर सिर रखने से पहले बाबा ने उनके सिर के ऊपर उनका जो हाथ, अपने दाहिने हाथ से वो मुट्ठी भर भर के लोगों को उदी देते थे, उदी से भरा हुआ हाथ उनके सिर के ऊपर रख दिया। तो तात्या साहब बैठे बैठे उनको चक्कर सा आ गया और जो खड़े लोग थे उनको पता भी चला हो कि कुछ तो भी गड़बड़ हो गया है। दोनों उनके लड़के थे साथ में, बड़े वाले डॉक्टर वामन और छोटे वाले विश्वनाथ, दोनों साथ में थे। वहाँ पे उन्होंने जब देखा कि तात्या को कुछ हो गया है, लेकिन एक आधा मिनट के अंदर तात्या जगह पे आ गए। फिर बाबा के पाँव छुए, उनके जो भी उनको करना था कर दिया, वो दोनों बच्चों ने भी किया। वहाँ से उठ के जब वापस आए साठेवाड़ा, तो साठेवाड़े में छोटे लड़के ने, विश्वनाथ ने, उनको विशु बोलते थे, विश्वनाथ ने पूछा तात्या आपको क्या हुआ था, आपको कुछ चक्कर वगैरह आया था क्या? तो तात्या साहब ने बोला अरे क्या बताऊं, इतना आनंद हुआ मैं कह नहीं सकता हूं। तब दोनों लड़कों को पता चला कि बाबा ने उनको समाधि दे दी, उनको दीक्षा दे दी, उनको जो भी देना था वो एक ही पहले ही झटके में दे दिया, पहले ही मीटिंग में दे दिया। उसके बाद तो उनको ये पहले से उनके मन में था कि मेरा जो गुरु होना चाहिए वो सड़ा फटिंग होना चाहिए, फैमिली ये वो फलाना ढिकना नहीं चाहिए। जैसा बोलते हैं वित्तेषणा पुत्रेषणा, ये कुछ नहीं चाहिए। मतलब पैसे से प्यार, अपने पुत्र से प्यार और दुनिया से लोकेषणा, दुनिया से प्यार, मतलब ये अच्छा कहता है उसको रहने दो मेरे पास, ये वो जो चीज़ है ये वो नहीं चाहिए, ऐसा वाला गुरु मुझे चाहिए। और बाबा में उन्होंने यही देखा। और उसी वक्त जब ही बाबा ने आसिर के ऊपर हाथ रखा, उसके बाद में उनको पक्का हुआ, उनका इरादा पक्का हुआ कि यही मेरे गुरु है। उसके बाद में तात्या साहब बार बार जब भी उनको छुट्टी मिलती थी, उन दिनों में कोर्ट को काफ़ी रजा मिलती थी, तो उसके जब भी मिलती थी तब वो उधर से उठ के आते थे, जो कुछ 2-4 दिन रहना था वो रह के चले जाते थे। करते करते तकरीबन 5-6 महीने गए गुजर गए, 1 साल तकरीबन गुजर गया होगा। वो जब अगले जुलाई में आए थे कुछ रजा लेके, तब बाबा को मिलने गए और मिलने के बाद झट से उनको याद आ गया कि अरे आज तो गुरुपूर्व है, आज तो अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए। दोनों लड़के साथ में ही थे, उनको बोला पूजा की तैयारी करो। और बाबा को भी पूछ लिया पूजा कर किया तो चलेगा ना, क्योंकि उनको अभी तक बाबा के जो तरीके थे उससे बाबा ने उनको वाकफियत नहीं किया और वो भी वाकफियत हुए नहीं थे। मतलब कि बाबा किसी को गंध लगाने नहीं देते थे।
अपने सिर के ऊपर। इन्होंने उस दिन बाबा को पूछा और पूजा की और बाबा ने एक्सेप्ट किया। और उसी वक्त बाबा की जो आरती है वो आरती उनके दोनों लड़कों को याद थी, तो उन्होंने उनको पूछा कि आरती करने से चलेगा? बाकी भी लोगों को बुलाया था जो भी उधर द्वारका माई में थे, उन्होंने तात्या साहब के साथ पूजा की और वो पहली पूजा बाबा ने एक्सेप्ट की और पहली आरती तात्या साहब ने की। वो गुरुपुरब के दिन मेरे ख्याल जुलाई महीने में 1909 साल में तकरीबन एक साल भर हुआ था उनको वहाँ आते हुए। तो पहली पूजा और पहली आरती तात्या साहब ने गुरुपुरब के दिन बाबा की की। ये वहाँ से लोगों ने आरती करना पूजा करना चालू किया, फिर भी उनको गंध नहीं लगा देने देते बाबा। और वो शुरुआत हुई वो कोल्हापुर से, डॉक्टर पंडित जमेनेस रहने वाले कोल्हापुर के थे लेकिन उनकी शिक्षा हुई थी MBBS जो किया उन्होंने वो कलकत्ता से किया, इसलिए वो खुद को जगन्नाथ राय पंडित ऐसा संबोधते, लोग भी उनको संबोध बुलाते थे। तो वो जब ही आए उनकी और उनकी पहचान थी पुरानी, तो वो आए उन्होंने पहला त्रिपुंड बाबा को लगाया, तीन उंगली से सिर के ऊपर गंध लगाना है, इसको त्रिपुंड बोलते हैं। वो पहला जो किया वो जगन्नाथ राय पंडित,